हिंदी में आज आपको क्या करनी है, इसे पहले मैं दो बार आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ और ये तीसरा आप लोग का होमवर्क देने जा रही हूँ। लिखे हुए अक्षर के बाद वाले अक्षर लिखे, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ अ के बाद क्या होती है आ, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आ लिख देती हूँ, फिर आ के बाद हर्षई, हर्षई के बाद दीर्घई, भैया अब इसको कैसे करें, हर्षुकार के बाद क्या आती है दीर्घुकार, औ के बाद क्या होती है री, री उसके बाद फिर यहाँ री के बाद क्या होती है ए, फिर ए के बाद ए, और ए के बाद ओ, फिर ओ के बाद आओ, और फिर आओ के बाद अह, और अह के बाद अह। यूं आपको सेकेंड अक्षर पे ध्यान देना है कि अ के बाद क्या होती है आ, आ के बाद हर्षई, हर्षई के बाद दीर्घई, ऊ के बाद औ, औ के बाद री, और री के बाद ए, ए के बाद ए, ए के बाद ओ, ओ के बाद औ, और औ के बाद अह, और अह के बाद कुछ नहीं, अह से क्या होती है कुछ नहीं। ऐसे ही आपको एकदम ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, ये आपका होमवर्क हो गया। मैम आपसे एकदम लिखा हुआ देखना चाहती है,